दोस्तों, हेल्दी डाइट की बात करते ही फल सब्जी के साथ साथ बादाम को भी शामिल किया जाता है। अगर आपका बच्चा कमज़ोर है पढ़ाई में तो उसको रोज़ाना आप आलमंड जरूर खिलाएं। बादाम को भिगोकर खाने से क्या फ़र्क पड़ता है? बादाम के न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो इसमें विटामिन ए, विटामिन ई, के, फाइबर, मैग्नीशियम, प्रोटीन, मैंगनीज, कॉपर, फॉस्फोरस जैसे भरपूर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। आलमंड आपके सर से लेकर पैर तक को फ़ायदा पहुंचाता है। लेकिन सबसे अहम बात जो ज़्यादातर लोगों को शायद नहीं पता कि बादाम को भिगोकर ही क्यों खाना चाहिए, कौन सा समय इसका सेवन आपको ज़्यादा लाभ पहुँचाती है। बादाम में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, ये हमारे ड्राई स्किन की समस्या से राहत पहुंचाती है। नियमित रूप से खाली पेट में बादाम खाने से आपके चेहरे पर चमक आएगी, त्वचा को मुलायम करेगी। अगर आपको बार बार भूख लगती है, ऊर्जा की कमी महसूस होती है तो आप बादाम खाएं। इसमें मौजूद न्यूट्रिएंट्स सुस्ती और थकान को दूर करता है, शरीर में ऊर्जा लाती है। रोज़ बादाम खाने वाले लोगों की हड्डियाँ मजबूत होते हैं। बादाम में कैल्शियम और मैग्नीशियम का अच्छा स्रोत होने के कारण बच्चों से लेकर बूढ़े तक सभी के हड्डी को मजबूत बनाता है, गठिया जोड़ों की सूजन को कम करता है। बादाम आपकी रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाकर बार बार बीमार पड़ने से भी रोकता है। अगर आपका पाचन तंत्र कमज़ोर है, अपच, एसिडिटी, गैस की समस्या है, खासकर अगर आपको कब्ज की समस्या है तो आप ज़रूर बादाम खाएं। इसमें मौजूद फाइबर आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। खराब कोलेस्ट्रॉल LDL को घटाकर हेल्दी कोलेस्ट्रॉल को बनाए रखने में बादाम बेहद फायदेमंद है। बादाम में होने वाले ओमेगा 3 फैटी एसिड और विटामिन ई दिल को मजबूत बनाता है, शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। हम सब जानते होंगे कि भीगे हुए बादाम को रोजाना सुबह खाली पेट खाने से याददाश्त तेज होती है। बादाम प्रोटीन से भरपूर होने के कारण ये हमारे ब्लड सेल को रिपेयर करता है। आपके बच्चे को आप रोजाना बादाम खिला सकते हैं। बादाम खाने का सबसे बड़ा फायदा वजन घटाना। अगर आप अपना वजन को कम करना चाहते हैं, भूख लगने पर बार बार दूसरा कोई स्नैक्स की जगह 2-4 बादाम खाएं। इससे लंबे समय तक आपको भूख का एहसास नहीं होगा और दिन भर में आपकी कैलोरी इंटेक भी घट जाएगी और इससे आपका वजन तेजी से घटने लगेगा। बादाम पुरुषों के लिए किसी वरदान से कम नहीं, आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी को पूरा करता है, लो स्पर्म काउंट को बढ़ाता है, पुरुषों में स्टेमिना बढ़ाती है। लेकिन बादाम को भिगोकर ही क्यों खानी चाहिए? जब आप बादाम को भिगोकर खाते हैं तो इसे पचाना आसान होता है। बादाम में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर भिगोने के बाद ज़्यादा असर दिखाता है। अगर आप बादाम को बिना भिगोकर खाते हैं तो इनका फाइटिक एसिड इन्हीं में रह जाता है, न्यूट्रिशन शरीर में अवशोषित अच्छे से नहीं हो पाता, खासकर जिंक और आयरन। बादाम खाने का सबसे अच्छा समय है सुबह खाली पेट, 4-5 बादाम भिगोकर आप खाए। तो बादाम खाने का इतना सारा फायदा है, ज़रूर आप रोज़ाना बादाम खाने की कोशिश करें। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।